किया इनू की अधिकार है इतने बोलन का और झूठ बोलन का। थोनू पता है साड़ी रकम किन्नी है पंजाब च, सारा पंजाब का अगर तुम धन जोड़ लो 5,35,000 करोड़ जी एस डी पी है साड़ी और 70% असी उधारा ले चुके हैं। तुम अपने दुकाना तुम बिजनेस वाले बैठे हो रहे मैं दसो अगर तुम 70% उधार ले लें अपने बिजनेस के खिलाफ कितनी देर थोड़ी बिजली चलूगी, कैसे थोड़ा काम चलूगा। और ये इन्हें पता है कि इन्हों को है नहीं कुछ पल्ले है नहीं ना पैसा है ना कुछ है, पर बोलते ने इसलिए लोगों गुमराह करने के वोटा लैनिया ने वोटा लैनिया ने असं ये वोटा का एक कम मसला है सिर्फ। और यही नहीं थोड़ा ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वह कहता हर बेटी मैं दूंगा 1,000 रुपया महीने का 12,000 रुपया साल का, थोनू पता वह कि बन जाता है 125,00,000 करोड़ रुपया। वह भी झूठ इधर भी झूठ और गुमराह कौन होंगे ने मासूम लोग जो साढ़े पंजाब के ने मेरे वीरों इन्हों हथां दे विच नहीं हुण आपां ने खेलना। आपां चाहुंदे अपने बच्चों वास्ते अपने पंजाब नूं बनाउणा तगड़ा और वह मैं चाहुंदा कि आपां ने रल के तुसीं मैं भाजपा साढ़े बीजेपी के जो मुख प्रधानमंत्री ने जिन्हे जानते ने कि इत्थे की हो रहा इत्थे इस देश दे विच और इत्थे खास करके इत्थे साढ़े बॉर्डर बैल्ट दे विच 600 किलोमीटर का बॉर्डर बैल्ट, पाकिस्तान का अंगूठा साढ़े गले च, चीन का अंगूठा साढ़े गले च और हुण अफगानी बैठ गए ने। और कुछ दिन पहला जदों साढ़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का वाकया होया उस पहला उन्होंने एक बयान दिता सी, उन्होंने कहा सी कि इत्थे जिहड़े साढ़े हुण देख लेना अफगानिस्तान तो ये तालिबान ने आके साढ़े इत्थे बॉर्डर के उपर बैठना है, कारगिल का बॉर्डर जिते भी साढ़े इधर बॉर्डर पाकिस्तान के नाल जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान और पंजाब का बॉर्डर हर वेले ये सरहद रही है, तुहानू पता इन्हां दे वास्ते किन्ना 60 बिलियन डॉलर इन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया उत्थे पाकिस्तान के विच ताकि चीन की नेवी उत्थे आ सकदी है, काराकोरम हाईवे उत्थे जांदी है, हुण काराकोरम रेंज के थले सुरंग बना के ट्रेना कढ रहे ने तिब्बतों ताकि जाके इत्थे अगर असी ब्लॉकेट कर दिए अरेबियन सी का कराची का एरिया तो इधरों आके इधरों बढ़ सकते हैं पिछे। और आपां इधर का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान किस गल का, किसी बनू फड़ लो किसी नू थोड़ा परचे कर लो आ इस जड़ी हुकूमत है पता नहीं मेरे जान तो बाद 18 सितंबर नू मैं गया कोई 40,00,000 करोड़ का था इन्होंने ऐसे ही बनते देखे नहीं तुसीं, मैं आउंदा सी इत्थे बठिंडे ओह देख रहा सी कोई दिन लंघदे कि कोई अखबार के विच पूरे पूरे सफे नहीं लाउंदे इत्थे सब झूठ बोलने, चाहे मुख्यमंत्री बोले चाहे प्रधान बोले चाहे कोई बोले। इन्हां नूं पता है कि कुछ दिनों के विच कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जानी है उरे, तो जिन्ना मर्जी तुसीं झूठ बोल लो लोगों नूं गुमराह कर लो यही थोड़े वास्ते एक अज कम। इस करके मेरे वीरों और मेरे भैनों ये दिन जड़ा है ये साढ़े वास्ते बॉर्डर के उपर अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नूं याद रखो पंजाब साड़ी सुरक्षा कर दी है साढ़े मुल्क की और अज सुरक्षा का बॉर्डर है 500-600 किलोमीटर जिते सैकड़े ही सैकड़े हजारा लोग इतने शहीद हुए ने अपने देश की हिफाजत वास्ते और देश आपने रखना है इनू टोटल आपू मजबूती आपू सिक्योरिटी आप नहीं रखनी है। असी अपने पंजाब वास्ते बहुत कुछ किया सी, मैं पहली गल तो हर पंजाबी नू मैं 5,00,000 रुपये का उन्हों का इन्हों बीमा कराया सी ताकि कोई भी होए गरीब तो गरीब जिदे कोई उन्हों कोई कोई किसी किस्म की हॉस्पिटल की जान की लोड़ होए और सरकारी महकमे के विच साडे कोल इन्हां दा कोई प्रबंध नहीं तो वह गल्लां नू लोग उतों किसी भी हॉस्पिटल दिल्ली के विच या पंजाब के विच जा सकते हैं फोर्टिस मैक्स जिते भी
और 5 लाख रुपए का अपना परिवार का उत्थे इलाज करवा सकते हैं। असी किया इन्हों ने नहीं किया, कहते ने असी किया पर किया कुछ नहीं ना। ये चीज़ जेनिया असी इतने शगन स्कीम च की, मैं 51,000 हर बेटी नू जिहड़ी साड़ी बेटी का ब्याह हुंदा, जिहड़ी मैं उत्थे पेंशनां दिंदियां सी, जिहड़ी 500 रुपए पेंशन सी मैं 1500 रुपए करती सारे वास्ते पेंशन, ये असी की इन्होंने नहीं की। और हुण अजीब गल ये है, एक पासे कहते ने कि अमरिंदर सिंह नू बदलना दी लोड़ सानू इस लई पई कि ये जिहड़े कामकार ने आ मैनीफेस्टो दे पूरे नहीं होए। मेरे वीरो इस जिहड़ी 92% मैनीफेस्टो मैं 18 सितंबर तो पहला पूरा करके गया सी, 92%। और हुण हसी दी गल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ने ये PCC वाले सिद्धू वगैरह, और हुण कहिंदे ने कि असी लोगों को जो साढ़े 5 साल का असी बरामद की अपने सूबे वास्ते 5 साल च, वो असी लोगों के कोल ला के करांगे कि असी थोड़े वास्ते काम किया। पहला तो कह दो अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, फिर कहते और ये 5 साल के 409 महीने मैं इत्थे दी सरकार चलाई सी। और आ देख लो कहते कांग्रेस विल गो टू द पीपल विद आर 5-year रिपोर्ट कार्ड, तब अगर मैं नहीं कुछ किया फिर तुम कि रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगे। ये है झूठ, ये है गुमराह करना, ये है थोड़ी वोटा लैन का, जदों उन्होंने पता है कि कहीं गल्लां सिरे नहीं चढ़नी, इस करके आप इस काम च नहीं आना। तगड़े रहो, कोई गल नहीं, बारिश आती रहती है, अपने किसानी वास्ते अच्छी है, अपनी फसलों अच्छी अच्छी है, अच्छे तरीके नाल वाहगुरु करे फसल सानू हुण मिले। और मैं आस करदा कि आपां हुण पिछे किसी गल विच नहीं रहना। मेरा वायदा सी पंजाब नाल कि जदों मेरी सरकार रहू 1,00,000 करोड़ रुपये की मैं इंडस्ट्री लगानी है अपनी धरती के उपर, MOMO जेडे अमीन सलाह या किसी की मशवरा करने वास्ते नहीं, किसी नाल गलबात करके नहीं, लेकिन धरती के उपर बिल्डिंग बननी चाहिए है 1,00,000 करोड़ की। और मैं खुशी होंगी दसते थोनू कि 18 सितंबर तो पहला असं पूरा करता सी, और 1,00,000 करोड़ हूँ पंजाब की धरती से लग रही है। साड़ी आर्थिकता मजबूत हो और उत्थे साढ़े बच्चों का नौकरियां। फिर कहने ने कि अमरिंदर सिंह कोई नौकरियां नहीं दे सकिया, थोनू पता है मैंने कितनियां नौकरियां दित्तियां ने पंजाब च साढ़े 4 साल 22 लाख, उहदे विचों 1,60,000 सरकारी नौकरियां और बाकी जो इंडस्ट्री दे विच। एक बेटी आई सी मैं तो चैक लैन वास्ते, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्री तो भी असी उन्होंने जोड़िया सी, और उन्हें मैं तो चैक लिता, तुहानू पता किन्ना उहदी उहनूं राशि मिली सी उस कंपनी तो 42 लाख साल। छोटी गल हुंदी है, छोटी जी लड़की अपनी यूनिवर्सिटी तो निकल के आई है, और इस किस्म का ये चाहते असी पंजाब वास्ते। आ नहीं जड़े दंगे फसाद करवाते ने, राई जी गल्लां करवाते ने, और पता नहीं मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, उन्हों का प्रधान कुछ होर बोलता है, उन्हों का होम मिनिस्टर कुछ होर बोलता है, ये इन्हों आपस ही पता नहीं ला लिया इन्होंने, कर लैन ला लैन जोर। एक मैं थोनों दस दिना अज कि वाहगुरु करे पंजाब दे विच साड़ी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और असी उन्होंने नाल होवांगे इस सरकार दे विच। लोग चाहते ने पंजाब का भविख, लोग चाहते ने साढ़े बच्चों का भविख, और वह भविख अज असी इत्थे पार्टी लैके देखे। आ नहीं बनौटी काम जो करते हैं, या केजरीवाल झूठ बोली जाता है, एक पास ये झूठ बोली जाते हैं बस झूठ वोटा लैन वास्ते। तो अज कोई गल नहीं, मौसम बदलती रहती है, इन्ना है कि प्रधानमंत्री जी के आने नाल प्रबंध होने नाल बारिश पई, पंजाब का किसान खुश है और सुखी रहूगा, और तुसी सारे वाहगुरु करे तुसी सुखी रहो, थोड़े परिवार सुखी रहन, और हर वेले चढ़दी कला च रहना, कदे
होर सोच नहीं होनी चाहिए, हर वेले थोड़े मन दे विच चढ़दी कला और पंजाब दा पना, देश दा पना। जय हिंद।